हेलो फ्रेंड्स, कुलदीप जैन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीटेट के लिए ईबीएस के 30 क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस जो पेपर हुआ था 20 अगस्त 2023 को पेपर वन में, तो ईबीएस के हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो लगभग है 30। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और आपको पता चलेगा कि ईबीएस के किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे सीटेट में पूछे जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन हम लगाएंगे, उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो आपको भी साथ साथ में इनके आंसर सोचना है कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। और यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, हमने सीडीपी के लिए भी लगभग 10 क्लास हमारी हो चुकी हैं, तो यदि आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने से हमें पता चलता है कि क्या क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल होता है, क्या सीटेट एग्जाम का पैटर्न होता है और कौन से टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सभी चीजों की जानकारी हमें प्राप्त होती रहती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए लगाना जरूरी होता है फ्रेंड्स। तो आइए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक शिक्षिका ईबीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थी के साथ तुल्यकालिक या सिंक्रोनस मतलब दोनों एक साथ रूप से अपनी बातों का आदान प्रदान करना संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। सिंक्रोनस या फिर तुल्यकालिक मतलब यहां से भी बोला जाए वहां से भी बोला जाए, दोनों साइड से संप्रेषण हो आदान प्रदान हो, तो वह क्या करेगी। तो ऑप्शन ए फोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, तो प्री रिकॉर्डेड वीडियो में एक ही तरफ से बातचीत होगी तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ईमेल से भी एक ही तरफ से बात होगी, है ना, ये भी नहीं होगा। त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये भी नहीं होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र और फोन कॉल, ये तीनों जो विकल्प हैं ये आपके सिंक्रोनस या तुल्यकालिक संप्रेषण को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका वन सही हो जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सेशन और फोन कॉल्स। ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईबीएस के एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा। थीम भोजन, भोजन की थीम ये इनमें से कौन सा सही होगा। तो आप थीम में क्या जंगल रख सकते हैं, नहीं, दुकानदार को भी नहीं रखेंगे, आप किसान को भी नहीं रखेंगे, कृषि फॉर्म को इसमें रख सकते हैं क्योंकि भोजन आपसे कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चरल फॉर्म से, ये यहाँ से आपको प्राप्त होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन वन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईबीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान या प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करें तो करता है, तो क्या इसमें से हो जाएगा, यह कंडीशनिंग हो जाएगी तो नहीं होगी, चेनिंग हो जाएगी ये भी नहीं होगी, परीक्षण और त्रुटि होगी ये भी नहीं होगी, ये होगा आपका खोजपूर्ण प्रश्न, आपका प्रोबिंग ये हो जाएगा। ऑप्शन वन इसका राइट आंसर हो जाएगा, खोजपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट, अनीता परिवार थीम को बढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। अनीता प्रिपेयर्स अ यूनिट प्लान टू टीच द थीम फैमिली, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द टाइटल ऑफ हर यूनिट प्लान। परिवार, गोमंतु, परिवार, तो ये इनमें से ये सभी जो है सभी एक एक थीम है, तो गलत तो हम उनको कह नहीं सकते, बाकी हमें इन चारों में से एक जो सबसे अच्छा आंसर बन सकता है वो हमें बताना है। तो परिवार के प्रकार, एकल और संयुक्त, ये भी हो सकता है, परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध, परिवार संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक संस्कृति इकाई के रूप में, तो जो थीम फोर है मतलब ऑप्शन फोर है इसमें सभी चीजें ये शामिल हो जाएंगी, तो ये ही इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। फैमिली, रिलेशनशिप, जेंडर रूल्स, एक्यूपेशंस एज सोशल सोशियो कल्चर एंटिटी इन चेंजिंग टाइम्स, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ये थीम आपकी सही हो जाएगी, तो ऑप्शन फोर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे, इसी तरीके से हम मैथ्स के और साइंस के भी क्वेश्चन आपके सामने लेके आने वाले हैं,
यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती शीतल ईबीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का प्रयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रकार का सबसे उपयुक्त तर्क है, सबसे उपयुक्त तर्क यहाँ पे बताना है। ईबीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थी का स्कूल से आने से पहले उनको सुना होना। तो अगर विद्यार्थी ने पहले से कोई भी चीज सुन रखी है तो ये इससे उसको लाभ मिलेगा, लेकिन उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना वह अपने आप से क्या हो आत्म प्रेरित होकर के उसको लाभ मिल सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। विद्यार्थी को अपनी कविता और कहानियों के लिए लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, तो इसमें विद्यार्थी एक्टिव है तो ये इसका सही हो सकता है। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, ये भी हो सकता है। पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, तो इससे बच्चों के अंदर आंतरिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा का विकास होगा। तो ये तीन सही है, बी सी डी। तो ये आप देखेंगे कौन से ऑप्शन में मिलते हैं, ऑप्शन थ्री में मिलते हैं, बी सी डी। तो ये ऑप्शन जो थ्री है इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा एक से चार तक ईबीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईबीएस फ्रॉम क्लासेस 1 to 5? तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन को देखेंगे, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने का के लिए कौशल प्राप्त करना, acquiring skills to carry out hands-on activities independently। तो ये हो सकता है, लेकिन आपसे मुख्य उद्देश्य पूछा, एक उद्देश्य तो हो सकता है। विद्यार्थी को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना, तो ये ऐसा बिल्कुल सही नहीं है कि आप उनको विज्ञान पढ़ाने के लिए अभी ईबीएस पढ़ा रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, तो ये भी एक उद्देश्य हो सकता है। विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन में जोड़ने में मदद करता है, हेल्पिंग लर्नर्स लिंक क्लासरूम लर्निंग ऑफ लाइफ आउटसाइड द स्कूल। तो ये आपको सबसे अच्छा जो तर्क है या उद्देश्य है यही होना चाहिए आपका, कि विद्यार्थी को स्कूल से बाहर के वातावरण में जोड़ा जाए, जो ईबीएस का मुख्य उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी स्कूल में रह करके आपके स्कूल से बाहर के जीवन से जुड़ सकें, कनेक्ट हो सकें। तो ऑप्शन फोर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ईबीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थी की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष देने में, तो ये इसका गलत हो जाएगा। इससे क्या होगा कि अलग अलग लोगों के अलग अलग परिणाम निकल करके आएंगे। पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है, तो ये तो इसका सही है। बाकी जो सबसे उपयुक्त व्याख्या देना है तो ये इसके लिए उपयुक्त नहीं है। आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे, तो ये बोलेगा तो हर क्लास पे ऐसा बोल दिया जाएगा कि आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो ये सीख पाएंगे, तो ऐसा गलत है। ऐसा करने से बच्चे क्या उनके अंदर क्यूरियोसिटी खत्म होती है। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें, तो बिल्कुल सही है। पहले आप साफ पानी लेंगे, फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक डाला, फिर कुछ उसमें अंडा तैराया या फिर कुछ भी तैराया, फिर धीरे धीरे नमक उसमें घुलते गए जिससे उसकी पानी की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो अंडा ऊपर तैरता रहेगा। तो ये ऑप्शन फोर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो वह व्याख्या देगी कि अलग अलग मात्रा में नमक के प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें, तो ये सबसे उपयुक्त जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, वह उसका हो जाएगा। तो ऑप्शन फोर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारक का क्वेश्चन यहाँ भी मिल गया आपको, सीडीपी में तो हम इनको पढ़ ही रहे थे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपसे 2 से 3 क्वेश्चन सीडीपी में इसके पूछे ही जाते हैं जो हम रेगुलर बेसिस पर लगा रहे हैं। इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको ईबीएस में भी देखने को
मिलेंगे। ईबीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल सही है, अगर बालक अवलोकन से सीखेगा, उसकी पहचान करके, चीजों का वर्गीकृत करके सीखेगा, तो ये कौशल अच्छी बात है। तो ऑप्शन तो जो वन है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट को देखेंगे, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईबीएस के सीखने के परिणाम को हासिल करने की संभावना होती है। तो ये भी सही है, क्योंकि अगर बच्चा अवलोकन करेगा, है ना, पहचान करेगा, वर्गीकरण करेगा कोई भी चीज को अपने हाथ से, तो क्या होगा, उसके अलग अलग कौशलों का विकास होगा। तो ऑप्शन टू इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन टू, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एक ईबीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय खाली स्थान पर जोर देना चाहिए। अगर आप प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं और आप ईबीएस के लिए एक योगात्मक मूल्यांकन, जो सममेटिव असेसमेंट होता है, इसके लिए आप एक पेपर बना रहे हैं, तो आपके मन में क्या उद्देश्य होना चाहिए? प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य। उद्देश्य तो सही है, लेकिन प्रश्न पत्र लंबा हो ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज, कंटेंट कवरेज और उद्देश्य, कंटेंट कवरेज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर, तो ये सही हो सकता है। इसमें आपको जो पढ़ाया गया है या फिर जो हमें बच्चों को शिक्षा देनी है, वो सारा कंटेंट कवरेज हो रहा है कि नहीं, और उसके साथ साथ हमारे जो उद्देश्य हैं उस पेपर बनाने के, वो कवरेज हो रहे हैं या नहीं, तो इसमें दोनों चीजें हैं, ये इसका आंसर हो सकता है। बाकी ऑप्शन को भी देख लेंगे, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज। तो सामग्री कवरेज तो सही है, कुल अंक के बारे में हमें कोई वो नहीं हो सकता। प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक, ये भी इसका हट जाएगा। तो ऑप्शन टू इसका सही आंसर हो जाएगा, कंटेंट कवरेज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर, हमारा जो मोटिव होगा यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा तीन के विद्यार्थियों के लिए ईबीएस में निम्नलिखित में से कौन से सीखने का परिणाम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग आउटकम्स इन ईबीएस फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड। तो ऑप्शन ए, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, तो ये एक सीखने का परिणाम हो सकता है या आउटकम हो सकता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। देखे गए अनुभव, किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व के भेदभाव में, तो ये आपका प्राथमिक स्तर के लिए सही नहीं है, तो यही आपका आंसर हो सकता है। कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों के नियमों का अवलोकन करना, तो ये सही हो जाएगा। कक्षाओं की दिशाओं को पहचान करना है, तो ये प्राइमरी लेवल पर सही है। आपका जो ऑप्शन टू है ये प्राइमरी लेवल के लिए सही नहीं है ईबीएस के सीखने के लिए, तो ऑप्शन जो टू है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको कक्षा थर्ड से फिफ्थ तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईबीएस पाठ्यक्रम का चयन करना है, इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा? तो अब पुस्तक के चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए, तो ये सही हो सकता है। आपको ये सारे जो विकल्प हैं ये सही ही दिए होंगे, आप इनको गलत नहीं बोल सकते, लेकिन इनमें से आपको बेस्ट जो ऑप्शन होगा, बेस्ट जो इसका आंसर होगा, उसको चुनना पड़ेगा। ऑप्शन टू है, भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है, ऐसा भी कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक के सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, आकर्षक होगी तो विद्यार्थियों का मन लगेगा पढ़ने में। पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुखी होनी चाहिए, तो बाल उन्मुखी में ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, सचित्र होना चाहिए, विद्यार्थियों के लिए आकर्षित होना चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, ठीक है, विद्यार्थी के मानसिक स्तर के लिए होना चाहिए, चित्र के लिए, तो ये सारे ऑप्शन इस बाल उन्मुखी में शामिल हो जाते हैं। तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता और अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए, तो यही इसका बेस्ट आंसर होगा। द टेक्स्ट बुक शुड बी चिल्ड्रन ओरिएंटेड एंड डिवाइड ऑफ एनी स्टीरियोटाइप्स और डेरोगेटरी एटीट्यूड्स बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट, क्लासेस एंड रिलीजन्स। ऑप्शन फोर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स। फिर से कथन और कारक का क्वेश्चन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन आपको अगर ओवरऑल पेपर की बात करें तो 10 लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको 150 क्वेश्चन से, कथन और कारक के क्वेश्चन। तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा है प्राथमिक स्तर पर EBS के विषयों की बजाय थीम है। तो बिल्कुल सही है, आप अगर बच्चों के लिए जो प्राथमिक स्तर पर विषयों की बजाय थीम प्रस्तुत करेंगे तो यह क्या होगा, एक तरीके से सही आपका निर्णय होगा। विषयों की तुलना में थीम आधारित EBS सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो बिल्कुल सही बात है, ये आसान है। लेकिन आपको इसकी जो यहाँ पे ए है, इसकी आर में व्याख्या नहीं मिल रही। कथन तो सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं कर पा रहा ए की। इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आप EBS के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है। आप क्या प्रस्तुत व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन होगा उसको चुनना है। ग्लोब से नक्शा पढ़ना, विभिन्न देशों के सिक्के को एकत्रित करना, उपलब्ध सामग्री से EBS किट विकसित करना, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो इनमें से बेस्ट आंसर होगा, उपलब्ध सामग्री से EBS किट विकसित करना, डेवलपिंग एन EBS किट फ्रॉम अवेलेबल मटेरियल्स। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको मिल जाएगा। तो अगला EBS के लिए रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर EBS इज क्या हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन। तो ये सही है आपका, सीखने के लिए आकलन आपको करना चाहिए। आप किस चीज की कमी है बच्चे में या फिर किस चीज की कमी रह गई हमारे पढ़ाने में, तो उसका आकलन करना चाहिए जिससे हम अपने जो लर्निंग प्रोसेस है उसको सही कर सकेंगे। सीखने का आकलन, तो ये रचनात्मक आकलन नहीं है। अधिगम के रूप में आकलन, तो ये भी इसका सही हो जाएगा, अधिगम के रूप में आकलन हमें करना चाहिए, असेसमेंट एज लर्निंग। सीखने के बारे में आकलन, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए और सी सही है जो आपको सी ऑप्शन में मिलते हैं, ए और सी। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है पेडागोजी का, EBS पेडागोजी का। इसके बाद हम जो 15 क्वेश्चन है EBS के भी पढ़ेंगे। निम्नलिखित में कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया है, कारक दिया है। फिर से तो EBS के क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। तो ये तो सही है, अगर आप EBS बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो आप उनको एक क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाइए, आप उनके लिए फील्ड ट्रिप के लिए ले जा सकते हैं जिससे बच्चा फील्ड का अवलोकन करके अपने आप से ज्ञान का निर्माण करेगा। नेक्स्ट, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो फील्ड्स ट्रिप प्रमोट मेमोराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स एंड प्लेसेस। तो ऐसा गलत है, आप याददाश्त को बढ़ावा नहीं दे सकते, तो ये गलत हो जाएगा आपका। मतलब कथन सही है, उसका कारण गलत है। तो ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन 4 में ये आंसर आपको मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थिति बताना है आपको। तो आप जब भारत का मैप देखते हैं तो गुजरात आपको यहाँ कहीं देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश आपको इधर मिलेगा और आंध्र प्रदेश आपको यहाँ कहीं देखने को मिलेगा। तो जो उत्तर प्रदेश है, अगर आप यहाँ पे उसका छोटा सा मैप बना लें, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो जाता है इधर पश्चिम, ये होता है यहाँ पे दक्षिण, और यहाँ पे हो जाता है ये उत्तर, या फिर इसको बोल सकते हैं ईस्ट बेस्ट, सॉरी यहाँ पे ईस्ट, ये हो जाएगा बेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ। तो आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ देखोगे उत्तर पूर्व में ये उत्तर प्रदेश आपको दिखेगा।
उत्तर पूर्व वाला आंसर यहाँ पे दो मिल रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ पे हट जाएंगे। अब आप बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश आप देखोगे तो गुजरात के यहाँ पे मिलेगा, मतलब ये आपका पश्चिम है, ये आपका दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में ये मिलेगा आपको, तो दक्षिण पूर्व वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, ऑप्शन थ्री इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप इस तरीके से मैप बना सकते हैं, यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। इसके बाद आप अगर मैप पर आपको इसकी स्थिति पता है तो इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला, रामा प्रत्येक शाम को अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? तो क्रिकेट खेलने में प्रकाश ऊर्जा नहीं, रासायनिक ऊर्जा नहीं, तो वह क्रिकेट खेलने में अपने मसल्स का यूज करता है, मांसपेशी का यूज करता है, मस्कुलर एनर्जी उसकी यूज हो रही है। तो ऑप्शन थ्री इसका सही आंसर हो जाएगा। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है या होते हैं? फ्रेंड्स आप कभी भी ईंधन जलाएंगे तो आपको ऊष्मा मिलती है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको मिलती है लाइट, प्रकाश। तो आपको हीट एंड लाइट जो मिलती है, किससे? किसी चीज को आप जलाते हैं तो हीट एंड जो लाइट है आपका, हीट एंड लाइट या ऊष्मा और प्रकाश आपको प्राप्त होता है। तो ऑप्शन टू इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावल की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? तो कौन से चावल आपको असम में पाए जाते हैं पहली चीज, और बनाने के बाद वह चिपचिपे हो जाते हैं? तो वह हो जाते हैं बोरा चावल। ये बोरा चावल का गुण होता है। ऑप्शन वन इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। कौन सी अवधि में बिहार के लोग मधुमक्खी पालन कार्यक्रम का आरंभ कर सकते हैं जो उनके लिए सबसे अनुकूल हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर टू दिसंबर का जो एक समय है, समय अवधि है, यह सर्वश्रेष्ठ होती है आपके मधुमक्खी पालन कार्यक्रम करने के लिए बिहार के लोगों के एस्पेक्ट में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, स्तंभ दिया है, स्तंभ भी दिया है, आपको इनको सुमेलित करना है। तो जीरा, जीरा आपको पता है कील की तरह तो दिखता नहीं है, दक्षिण अमेरिका में इसकी उत्पत्ति भी नहीं हुई। जीरा है आपका छोटा परंतु खुशबूदार, तो ए का होना चाहिए फोर। तो यहाँ पे देखो ए का फोर दो ऑप्शन में दिख रहा, मतलब ऑप्शन थ्री और फोर तो ये गलत हो जाएंगे, थ्री और वन तो गलत हो जाएंगे। केसर आपको देखोगे तो केसर मिलती है पीले रंग की, मतलब बी का होना चाहिए थ्री, बी का देखना चाहिए थ्री, तो बी का थ्री आपको इसमें मिल रहा है। फिर मिर्च, मिर्च होती है आपकी दक्षिण अमेरिका में उत्पत्ति इसकी, तो सी का टू हो जाएगा। और लॉन्ग दिखती है कील की तरह, तो डी का हो जाएगा वन। तो ऑप्शन टू इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जब आप इस तरीके से अपना भारत का मैप बनाएंगे, नीचे का ये आपका एरिया है प्रायद्वीप भारत का, तो आप यहाँ पे देखते हैं जो ओडिशा है आपको यहाँ पे तट पर मिलेगा, तो जो तटवर्ती है वह हो जाएगा क्या? ओडिशा। ये केरल और कर्नाटक आपके ये अरब सागर वाले कोस्ट पर पड़ते हैं। ये तेलंगाना आपका यहाँ अंदर साइड है, उसके बाहर यहाँ पे आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है, तो ये भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों का पर विचार कीजिए। कुड़ुक भाषा तुरंग का मतलब होता है जंगल, तो ये सही हो जाएगा आपका। फिर झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि होगी, तो ये इसका गलत हो जाएगा। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं, ये इसका गलत हो जाएगा। कम से कम 25 वर्षों के लिए उनको जंगल में रहना जरूरी होता है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। मतलब ए और चार आपको जंगल के बारे में सही दिए गए हैं, जो ऑप्शन फोर में आपको दिखाई देंगे, तो ऑप्शन फोर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन को देखेंगे,
24 ग्राम पर एमएल घनत्व और 6 एमएल आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो आपको पता है कि 1 एमएल का जो द्रव्यमान है वह है 24 ग्राम, तो 6 एमएल जो है उस आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा ये बताना है। तो आपने यहाँ पे क्या इंटू 6 किया, तो इसको भी इंटू क्या करना पड़ेगा 6, जब 24 में 6 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 144 ग्राम। 144 ग्राम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित करना है, रॉन्ग आंसर को चिन्हित करना है। तो वे अपने भोजन या शिकार को पूरा निगल जाते हैं, तो ये तो सही बात है। सांपों के दांत नकीले होते हैं, तो ये भी सही बात है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, तो बिल्कुल सही है। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, तो ये गलत है, और हमें फॉल्स ही या मतलब गलत इनकरेक्ट को ही चुनना था, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हमारे एस्पेक्ट में हो जाएगा। कांसा या ब्रोंज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है, किन्हें मेल्ट करके बनाया जाता है, कांसा का जो निर्माण होता है किनको मेल्ट करके बनाया जाता है? टिन और कॉपर, टीएन प्लस सीयू, या फिर कॉपर जिंक इसका आंसर नहीं होगा, एल्यूमिनियम जिंक भी नहीं होगा, और जिंक और टिन भी इसका आंसर नहीं होगा। टिन और कॉपर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है, तो ये 100 किलोग्राम तो नहीं, लगभग 200 किलोग्राम उनका वजन 3 महीने के बच्चों का हो जाता है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकते हैं, तो 200 किलोग्राम नहीं, लगभग 100 किलोग्राम यहाँ पर खा सकते हैं। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं, तो ये सही है। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है। तो सी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन 4 में दिया है, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए में दिया है तनक, कथन बी में दिया है। मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, और उसका कथन दिया है कथन बी में, मनाली में बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है, तो आपको ये तो सही दिख रहा है और कथन टू, परंतु कथन ए में लिखा है वो गलत है, तो कथन बी सही है, तो कथन ए गलत है लेकिन कथन बी सही है, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, फिर से कथन और कारक का क्वेश्चन आपको एक और मिल गया इधर, इस क्वेश्चन को देखेंगे। दाब लगाने पर गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। आप गैसों को कंप्रेस्ड करके सिलेंडरों में भरते हैं, उसके दाब को लगाते हैं, तो गैस संपीड़ित होकर के सिलेंडर में आ जाते हैं। जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरण स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि गैसों को ज्यादा संपीड़ित करते हैं तो वह द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, तो ये क्यों होता है, उनके अंतरण स्थान कम हो जाते हैं इसीलिए, तो ऑप्शन 2 भी सही है। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। तो पौध भोजन का उत्पादन और भंडारण पौधे तो करते हैं, पौधे को शक्ति और सहारा देना, पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना, तो तने का कार्य बताना है यहाँ पे हमें, ठीक है, जो स्टेम होता है उसका कार्य बताना। तो स्टेम भोजन का उत्पादन तो नहीं करता, पौधों में शक्ति और सहारा देना तो ये करते हैं, जड़ों से जल और खनिज को अन्य स्थानों तक पहुंचाने का काम भी पौधे करते हैं, तो बी और सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन 1 बी और सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप जो हमने ईबीएस और ईबीएस पेडागोजी
के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो ये आपको पसंद आए होंगे, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो इसी तरीके से हमने CDP की भी वीडियो डिस्कस की है, आपने वो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आपसे इसी तरीके की इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।